नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है राजस्थान जोधपुर बीकानेर जिले की बड़ी खबरें। नीट और एसआई भर्ती में नकल और फर्जीवाड़े के मामले सामने आने के बाद शनिवार को आयोजित की गई कृषि पर्यवेक्षक परीक्षा में अधीनस्थ बोर्ड चौकस नजर आया। परीक्षा केंद्रों पर हर परीक्षार्थी को स्कैन किया गया, जिससे कोई भी परीक्षार्थी मोबाइल या कोई अन्य इलेक्ट्रिक डिवाइस साथ ना ले जा पाए और उसके बाद ही अंदर जाने की इजाजत दी गई। एक पारी में सुबह 10 बजे से 12 बजे तक आयोजित की गई इस परीक्षा के लिए कुल 1,67,000 परीक्षार्थी रजिस्टर थे, जिसमें से 1,40,027 परीक्षार्थी परीक्षा में शामिल हुए। कुल उपस्थिति 83.6% रही। मध्य प्रदेश में पूर्वी राजस्थान में कम दबाव का क्षेत्र बना हुआ है, इससे हाड़ौती अंचल में विदा होने से पूर्व मानसून फिर सक्रिय हो गया है। शुक्रवार रात व शनिवार को दिन भर तेज बारिश हुई। चंबल नदी में पानी की जोरदार आवक होने से कोटा बैराज के 2 गेट खोलकर 12,428 क्यूसेक पानी की निकासी की जा रही है। प्रशासन ने चंबल में पानी की आवक के मद्देनजर कोटा से धौलपुर तक अलर्ट जारी कर दिया है। झालावाड़ जिले में भारी बारिश हो रही है। आहू व उजाड़ नदियां उफान पर है। बारां जिले के किशनगंज व शाहबाद उपखंड स्थित सघन जंगल को भले ही राज्य व केंद्र सरकारें सेंचुरी का दर्जा देने के प्रस्ताव के धूल नहीं झाड़ रही, लेकिन प्राकृतिक संतुलन जिले के सघन वन क्षेत्र को प्रदेश के रणथंभौर व पड़ोसी राज्य मध्य प्रदेश की कूनो पॉपुलर सेंचुरी का सुरक्षित कॉरिडोर बनाने की दिशा में मुफीद साबित हो रहा है। वन विशेषज्ञ मानते हैं कि यदि मौजूदा रफ्तार से शाहबाद व किशनगंज क्षेत्र में वन्य जीवों की संख्या बढ़ती रही तो आने वाले 5 सालों में यह समूचा क्षेत्र अघोषित रूप से देश में एक और नई सेंचुरी बन जाएगा। शाहबाद के जंगलों में बरसों से पैंथर की मौजूदगी प्रमाणित हो रही है। राजस्थान में जाते मानसून के बीच मौसम विभाग ने 22 सितंबर तक भारी से अति भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। उधर मानसून की सक्रियता के चलते कोटा संभाग में जमकर बारिश हो रही है। 5 बांधों से पानी की निकासी की जा रही है और नदियां उफान पर है। मौसम विभाग की माने तो यह क्रम जारी रह सकता है। मौसम विभाग की माने तो शनिवार को प्रदेश के कुछ स्थानों पर अति भारी बारिश की संभावना जताई गई है और सवेरे से कोटा संभाग में भारी बारिश का दौर जारी है। सवाई माधोपुर, कोटा, चित्तौड़गढ़, झालावाड़ जिले में अति भारी बारिश का अलर्ट है और कोटा व झालावाड़ में असर दिखाई भी दे रहा है। इसके अलावा करौली, दौसा, टोंक, भीलवाड़ा, बूंदी, बारां, उदयपुर, प्रतापनगर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, जालौर, पाली, नागौर, जोधपुर में भी भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। देश में पढ़ाई महंगी होने के पीछे कई कारण हैं और उसके लिए हम सभी जिम्मेदार हैं। इसका एक बड़ा कारण जीएसटी भी है। वर्तमान में कोचिंग संस्थानों को 18% जीएसटी देना पड़ रहा है। सरकार को चाहिए कि वो इस स्लैब को कम करें ताकि कोचिंग संस्थानों में पढ़ाई सस्ती और आम स्टूडेंट की पहुंच में हो सके। दरअसल यह बात सीएलसी इंस्टीट्यूट के निदेशक श्रवण चौधरी ने फ्यूचर सोसाइटी, LIC और IDBI बैंक की ओर से आयोजित कार्यक्रम में कही। सेशन में बच्चों ने सवाल किया था कि डॉक्टर इंजीनियर बनना इतना महंगा क्यों है। इस सवाल के जवाब में सीएलसी निदेशक श्रवण चौधरी ने यह बात कही। सोशल मीडिया में कोरोना काल के इस दौर में फरियादियों की शिकायत करने का तरीका भी पूरी तरह हाईटेक हो गया है। एक साल में राजस्थान संपर्क पोर्टल पर 248 विभाग, बोर्ड, आयोग सहित अन्य संस्थाओं की 18 लाख से अधिक शिकायतें दर्ज हुई, जबकि इससे पिछले साल इस तरह की ऑनलाइन शिकायतों का आंकड़ा 11 लाख तक ही सीमित था। प्रदेश की जनता ने ऑनलाइन पोर्टल को शिकायत का बड़ा हथियार बना लिया है। पहले प्रदेश के सभी जिलों में ज्ञापन, चिट्ठी व ईमेल के जरिए रोजाना 40 से 70 शिकायत दर्ज होती थी। रोक के बावजूद शनिवार को जोधपुर जिले में भाजपा के 2 बड़े आयोजन हुए। इसमें एक आयोजन पर प्रशासन ने रोक भी लगाई, लेकिन ये आयोजन रोक के बावजूद हुआ। दरअसल बिलाड़ा व ओसिया पंचायत समितियों के नवनिर्वाचित प्रधान के पदभार ग्रहण समारोह को शनिवार को आयोजित किए गए। इन दोनों कार्यक्रमों में भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष डॉक्टर सतीश पुनिया ने हिस्सा लिया। ओसिया में हुए पदभार ग्रहण कार्यक्रम को रोकने के लिए उपखंड मजिस्ट्रेट ने लिखित आदेश भी जारी किया था, लेकिन इस आदेश को दरकिनार कर यह आयोजन हुआ। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पुनिया का जोधपुर प्रवास के दौरान कई स्थानों पर जोरदार स्वागत हुआ। भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनके स्वागत को लेकर होड़ लगी रही। भाजपा के जोधपुर शहर जिलाध्यक्ष देवेंद्र जोशी ने बताया कि प्रदेशाध्यक्ष डॉक्टर सतीश पुनिया के जोधपुर शहर में प्रवेश के दौरान मंडोर पुलिया के पास कृषि मंडी, महामंदिर और पावटा चौराहे पर स्वागत समारोह आयोजित किया गया। इसके बाद वे सर्किट हाउस पहुंचे, वहां भी उनका स्वागत हुआ। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि थर्ड फेज ऑफ लिस्ट कैनाल के वर्तमान सरकार के पहले बजट में घोषणा किए जाने के बावजूद
अब तक एक इंच भी आगे नहीं खिसक पाई है। शनिवार को अपने आवास पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए यह भी कहा कि विधानसभा चुनाव में राज्य की जनता यह तय करके बैठी है कि कांग्रेस की विश्वासघाती और वादा खिलाफी करने वाली सरकार को सिरे से उखाड़ कर फेंकना है। नीट और एसआई भर्ती में नकल और फर्जीवाड़े के मामले सामने आने के बाद शनिवार को आयोजित की गई कृषि पर्यवेक्षकों की सीधी भर्ती परीक्षा में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था नजर आई। जोधपुर में इस परीक्षा के लिए 28 केंद्र बनाए गए थे। परीक्षा केंद्रों पर हर परीक्षार्थी को स्कैन किया गया और उसके बाद ही अंदर जाने की इजाजत दी गई। 11 दिन बंद रहने के बाद मसूरिया स्थित बाबा रामदेव मंदिर के पट शनिवार को भक्तों के लिए खुल गए हैं। इसके साथ ही यहां बाबा के दर्शन के लिए भक्तों का जमावड़ा वापस से लग गया है। वहीं बाबा रामदेव के समाधि स्थल रामदेवरा में भी मंदिर के द्वार खोल दिए गए हैं। अपने लोक देवता को मनाने के लिए ध्वजा के लिए यात्रियों ने शनिवार को बाबा की समाधि के दर्शन किए। ये मंदिर पिछले 11 दिन से बंद थे। जोधपुर के मथुरादास माथुर अस्पताल में शनिवार को सीटी स्कैन मशीन खराब हो गई। इस कारण यहां मरीजों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। उमस व गर्मी के कारण यहां मरीज व उनके परिजन कई घंटों तक लाइनों में लगे रहे। मशीन ठीक होने को लेकर अस्पताल प्रशासन ने कोई जवाब नहीं दिया। इसके बाद कई मरीज निजी लैब की तरफ चले गए। जोधपुर पाली हाईवे प्रबंधन एवं प्रादेशिक परिवहन अधिकारी प्रवीणा चारण के निर्देशानुसार सड़क सुरक्षा जागरूकता अभियान के तहत चौपाल लगाकर ग्रामीणों को ट्रैफिक के नियम बताए गए। सीएसआर प्रबंधक ने बताया कि खायड़ा गांव में सड़क सुरक्षा जागरूकता अभियान का आयोजन किया गया। इस मौके पर ग्रामीणों को सड़क सुरक्षा की शपथ दिलाई गई, साथ ही वाहनों पर लाल रंग के रेडियम लगाए गए। श्री अखिल भारतीय श्वेतांबर स्थानक वासी जयमल जैन श्रावक संघ की राष्ट्रीय समिति की बैठक पावटा बी रोड स्थित चोरड़िया भवन में संपन्न हुई। इस अवसर पर 2 वर्षीय नई कार्यकारिणी का चुनाव किया गया। नई कार्यकारिणी में बेंगलोर के रेवंत मल नाहर राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए गए, साथ ही जोधपुर के देवराज बोहरा राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और गौतम खेमसरा राष्ट्रीय मंत्री चुने गए। महिला शक्ति आत्मरक्षा केंद्र आयुक्तालय का 30वां निःशुल्क आत्मरक्षा प्रशिक्षण शिविर संपन्न हो गया है। समापन पर प्रशिक्षणार्थियों को पुलिस परामर्श एवं सहायता केंद्र के अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त निर्मला बिश्नोई ने प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया। उन्होंने बताया कि महिला शक्ति आत्मरक्षा केंद्र का 31वां और 32वां बैच केंद्रीय विद्यालय बीएसएफ मंडोर में चल रहा है तथा राजानाडा पुलिस लाइन परिसर में भी नया प्रशिक्षण बैच जल्द ही आरंभ किया जा रहा है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, फिर हाजिर होंगे और बड़ी खबरों के साथ। एसबीटी न्यूज के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।